तो हेलो बेटा, आज अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट सेकंड का, ठीक है। तो भोर मॉडल के ही भोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, भोर मॉडल ऑफ एन एटम का सेकंड पोस्टुलेट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में बोला था कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल से दूसरी शेल में, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन शेल टू अनदर, ठीक है, इट लूजेज और गेन एनर्जी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ, जैसे आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यू हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है। सो आपके पास, ठीक है, यू हैव दिस, आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपको पता है न्यूक्लियस के पास ये होती है के शेल, दिस विल बी योर एल शेल, दिस विल बी योर एम शेल एंड दिस इज योर एन शेल। सो न्यूक्लियस की ये के शेल होती है, ये एल शेल होती है, ये एम शेल होती है, ये एन शेल होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है, तो वो क्या करता है, इट लूजेस और गेन एनर्जी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ, हमको पता है ना ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पता है आपको, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, लो एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल होते हैं मेरे पास, एक लोअर एनर्जी लेवल होता है और एक हायर एनर्जी लेवल। जैसे राइट, सो लेट सपोज आप के शेल पे हो, आप ग्राउंड स्टेट पे हो, तो के शेल पे हो तो एल एम एन क्या है आपके लिए, एक्साइटेड स्टेट, के क्या है, ग्राउंड स्टेट। आप एल पे हो तो एल ग्राउंड स्टेट है और एम एन क्या है आपके पास, एक्साइटेड स्टेट। आप एम पे हो तो एम के आपके पास लोअर स्टेट और एन के आपके पास एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो के जैसे क्या है मेरे पास, के है ग्राउंड स्टेट, तो एल क्या है मेरे पास, एल एम एन एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो जैसे जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे यहाँ से वो के शेल से कूद के, इलेक्ट्रॉन के शेल से कूद के उसे लेट्स सपोज उसे एम शेल में जाना है, उसे कहाँ जाना है, उसे के शेल से जंप करके उसे एम शेल में जाना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपको अपने घर से, ठीक है, तो आपको अपने घर से, ठीक है, आपको अपने घर से कहाँ जाना है, अपने घर से मॉल जाना है, तो घर आपका ग्राउंड स्टेट और मॉल क्या है आपका, एक्साइटेड स्टेट। आपको अपने घर से कहाँ जाना है, आपको अपने घर से, ठीक है, आपको अपने घर से कहाँ जाना है, आपको अपने घर से जाना है मॉल, तो घर आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट, और मॉल क्या है आपका, एक्साइटेड स्टेट। तो आप क्या करते हो, पापा से पैसे ऑब्जॉर्ब करते हो ना, पापा से पैसे लेके तब घर से मॉल जाते हो ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। बट अब जैसे सारा दिन आप भी मॉल में नहीं ठहर सकते हो, वापस यार घर तो आना ही है ना, बैक टू पवेलियन घर तो आना ही है, ठीक है। अब वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सारा टाइम अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते, दे वॉन्ट्स टू कम बैक, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है और ये एन है, तो उन्हें वापस आना है, दे वॉन्ट्स टू कम बैक। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में था, जब वो वापस आएगा, अब ये जब ये वापस आएगा, ठीक है, एम शेल से वापस आएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से अब हम वापस आ रहे हैं, कहाँ वापस आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में, हम ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब
अब हम क्या करेंगे, हम एनर्जी रिलीज़ करेंगे, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे। जो पैसे पापा से लेके गए हो वो मॉल में खर्च करके आओगे, पूरे के पूरे खर्च करके आओगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इंजन में जाने में जितनी एनर्जी गेन की थी, ठीक है, अब वो एनर्जी का कर देगा रिलीज़ कर देगा। क्या कर देगा, वो एनर्जी रिलीज़ कर देगा। तो ठीक है, तो जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आना है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो भाई अब एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जब ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड और एक्साइटेड टू ग्राउंड। सो ट्रांजिशन, इसको जंप करना मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मतलब ट्रांजिशन करना। तो ट्रांजिशन करने में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब हम एक्साइटेड से ग्राउंड में आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी होगा, एनर्जी विल बी चेंज क्या होगी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। जैसे ये यहाँ पे एनर्जी क्या है आपकी E1, और यहाँ एनर्जी क्या है आपकी E2। तो इस एनर्जी को, इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी में से माइनस करेंगे तो आपका चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। तो बोर ने पहले पॉस्टुलेट में क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता जा रहा है, एक ही शेल में घूमता जा रहा है, एक ही शेल में घूमता जा रहा है, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी विल बी अ फिक्स्ड, एनर्जी विल बी फिक्स्ड, ठीक है, एनर्जी विल बी फिक्स्ड। पर जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये दो पॉस्टुलेट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कब एनर्जी रिलीज़ होती है, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आपके पास एनर्जी रिलीज़ कब हो रही है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जा रहे हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट आ रहे हो, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है आपको, हो गया आपका, ठीक है, अब आगे बढ़ें, ओके, आगे चलें हम लोग, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नाउ वी मूव अहेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मेरी थर्ड पॉस्टुलेट बहुत सिंपल है, दो पॉस्टुलेट हो गए भोर का। थर्ड पॉस्टुलेट था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, याद है ना, प्लस हमने पढ़ा था जब कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन से रेडियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में। तो न्यूक्लियस के सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, क्या होता है, रेडियस, दैट इज़ कॉल्ड आर, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इंटू रेडियस, दिस इज़ माई एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इक्वल्स टू NH/2π, n मतलब इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है, m इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, m इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर ये वो रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आर इज अ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच क्या है हमारा, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, सो एच है मेरा प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सब होता है। तो तीसरे पॉस्टुलेट में क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज द इंटीग्रल मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। तो यहाँ पे ये जो n है, ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1।
अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल में है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2, और अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल में है तो एन की वैल्यू क्या होगी, एम शेल में है तो एन की वैल्यू होगी 3, और अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल में है तो एन की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट चेंज हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट के शेल में है तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, एल शेल में है तो एन की वैल्यू 2 ले लेंगे, एम शेल में है तो एन की वैल्यू 3 ले लेंगे, एन शेल में है तो एन की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको, थर्ड पोस्टुलेट भी क्लियर है, कमलेश क्लियर है, ठीक है, अमन, कमलेश जिन्होंने नहीं देखा था लेक्चर, ठीक है, अंशु, क्या क्लियर है ये? अभी तीनों पोस्टुलेट क्लियर है, इनको डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। पहले मेरा पहला पोस्टुलेट तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन एक, अगर एक ही शेल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, और उनको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में जंप कर रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अगर एक्साइटेड से वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी रिलीज करेगा और उसकी एनर्जी चेंज होगी इनिशियल माइनस फाइनल। और थर्ड पोस्टुलेट ने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम MVR, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करते हैं, हम ये जो रेडियस है, हम रेडियस निकालते हैं फ्रॉम द बोहर मॉडल। किसका रेडियस निकालेंगे भाई, ये न्यूक्लियस है और दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के पास एक के शेल होती है, ये एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन शेल्स में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन शेल्स में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दिस शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन शेल्स में। अब देखो ये के शेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये के शेल और न्यूक्लियस के बीच में ये जो ये होगा, ये देखो, ये न्यूक्लियस के सेंटर से के शेल का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ के शेल, के ऑर्बिट। ठीक है, अब आप देखो न्यूक्लियस के सेंटर से एल शेल तक का, दिस विल बी द रेडियस ऑफ एल शेल। मतलब हम किसी भी ऑर्बिट का हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अब ये एम ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, क्या करो आप, ठीक है, आप क्या करो, ये आप क्या कर दो, ये कर दो, ठीक है, आपने क्या किया, आर एम, दिस इज द रेडियस ऑफ एम ऑर्बिट। ठीक है, एंड नाउ दिस इज एन शेल, सो दिस इज द रेडियो ऑफ दिस एन शेल। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ के शेल, दिस इज रेडियस ऑफ एल शेल, रेडियस ऑफ एम शेल, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ एन शेल। तो ये ऑर्बिट है आपके पास, जैसे ये आपके पास के ऑर्बिट, ये एल ऑर्बिट, ये एम ऑर्बिट, ये एन ऑर्बिट, तो ये इन शेल्स के रेडियस हो गए, के शेल का रेडियस, ठीक है, ये मेरे पास हो गया एल शेल का रेडियस, ये हो गया एम शेल का रेडियस, और ये हो गया एन शेल का रेडियस। ठीक है, तो हम ये रेडियस फाइंड आउट, सो नाउ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपके पास थी एन शेल, तो सॉरी न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास एक के शेल है, ठीक है, फिर ये एल शेल है, ये एम शेल है, एन शेल है, तो इन सब शेल्स में क्या होता है, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, इन सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो हम इनका हम क्या कर सकते हैं, हम इनका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा रेडियस किसका, के शेल का, दिस विल बी एल शेल, दिस विल बी ऑफ एम शेल, एंड दिस विल बी ऑफ एन शेल। ठीक है, सो अब आप देखिए, ठीक है, अब लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके सामने एक शेल है, कोई भी शेल ले लो, मैंने के लिख दिया, आप कोई भी ले लो, एल एम एन, ठीक है, कोई भी शेल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आपको इस ऑर्बिट का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, तो कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, 1/4 πε₀ q1 q2 r2। तो आपने लिखा 1/4 πε₀ q1, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है, ZE, और ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इस पर चार्ज क्या होगा, ई। एक्चुअली आप क्या लेते हो, आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना चार्जेस का, तो माइनस नहीं लोगे, इलेक्ट्रॉन पे वैसे माइनस होता है, यू नॉट टेक द माइनस साइन, क्योंकि आपको क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपने एक Q1 क्या था, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मैंने एज आई डिस्कस और अर्लियर, चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है, ZE, और चार्ज ऑन
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई। तो हमने ये जेड ई और ई ले लिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आती है, ठीक है, फोर्स ऑफ, ठीक है, अब ये जो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स प्रोवाइड्स दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स क्या, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या प्रोवाइड करेगी हमें, सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे हम एफ ई बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, एफ ई, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हमारे पास 1/4 πε₀ क्या आया, जेड ई, ई आर स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर आर। तो ये आप r से r एक कैंसिल कर दो, तो आपके पास 1/4 πε₀, ये जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे r हो जाएगा, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस r को ऊपर ले जाओ, आप इस r को ऊपर ले जाओ और नीचे ले आओ एम वी स्क्वायर, तो ये r हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इतना छोड़ दो उसको, लेके ना इसको वन बोल दो, उसको इक्वेशन को वन बोल दो। अब आप क्या करो, आपको याद है मैंने अभी आपको थर्ड पोस्टुलेट कराया था, तो अकॉर्डिंग टू भोर पोस्टुलेट आपके पास क्या होगा, व्हाट हैपेंड, आपको ये बोला था ना भोर के तीसरे पोस्टुलेट ने क्या बोला था, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम वी आर दैट इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, किसके इक्वल है, एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, सो क्या करो, यहाँ से ना वी की वैल्यू निकाल लो, वी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एन एच और ये 2π, ठीक है, एन एच 2π, और एम आर को नीचे ले आओ, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन वन बनाई है आपने, इसमें पुट कर लो ये वैल्यू। सो दिस इज़ योर 1/4 πε₀, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, और ये है एम, आपने ये जो वी स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, ये जो वी का वैल्यू निकाला है, ये वी स्क्वायर की जगह पे डालो, एन एच 2π एम आर का होल स्क्वायर, सो दिस इज़ योर आर। ठीक है, अगले पेज पे ले जा रही हूँ मैं इसे टर्म को, और अगले पेज पे ले जा रही हूँ 1/4 πε₀। ठीक है, यहाँ पे क्या था आगे, जेड ई स्क्वायर, साथ में था एम, फिर यहाँ पे था एन एच का होल स्क्वायर अपॉन 2πmr। ठीक है, और यहाँ पे भी r। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले स्क्वायर को खोलते हैं, जेड ई का स्क्वायर m, अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे n का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये पाई का भी स्क्वायर है, एम का भी स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर, और भाई ये भी आर है यहाँ पे। अब ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में है ना, हम इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1/4 πε₀ जेड ई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ भाई, 4π² एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये एम, फिर आएगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, अब ये एम से एम कैंसिल कर दो, एक स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पे आर था, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा जेड ई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक पाई बच गया था, एक एम से एक एम कैंसिल हुआ तो यहाँ एक एम बच गया था, और एक आर से आर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे एक आर बच गया था, ऊपर ये बच गया, नीचे क्या बचा, साइलेंट नॉट, 4π तो कैंसिल हो गए, एम भी कैंसिल हो गया, और क्या बचा नीचे, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, और यहाँ बचा था 1, कुछ नहीं। अब इस सम को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, आर यहीं रहने दो, आर निकालना था ना मुझे, अब ये एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर ले गए, नीचे क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर एम, ठीक है, जेड ई स्क्वायर और पाई एम। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये आ गए रेडियस, यही पूछा था हमसे रेडियस ऑफ का फॉर्मूला, इतना भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है,
तो आगे सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अब क्या करो, ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ना ये पुट कर दो, जैसे अब साइलेंट नॉट, ये इतना रेडियस का, ये रेडियस आ चुका है, इसे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो। साइलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10^-12 एन स्केयर। भाई ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये तो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमेगा उसी का लेंगे, के शेल में होगा तो 1 लेंगे, एल शेल में होगा तो 2 लेंगे, एम शेल में होगा 3 लेंगे, एन शेल में होगा 4 लेंगे। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10^-34। जेड तो भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होगा हम वही लेंगे, चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। और ई क्या हो जाएगा मेरा, ई विल बी माई चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है। पाई विल बी माई वैल्यू इज 3.14 एंड एम दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10^-31, ठीक है। तो आई होप दैट टर्म्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये आर है, मेरे पास ये आर है, इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आर है, वैल्यू क्या आएगी, साइलेंट नॉट की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 8.85 इंटू 10^-12 इंटू एन स्केयर, मुझे नहीं पता भाई एन स्केयर क्या है, कौन सी शेल में होगा इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं पता, साथ में एच स्केयर है तो एच स्केयर की वैल्यू डाल दो। पता है न्यूमेरिकल में ना आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ फिक्स है साइलेंट नॉट एच की, तो पहले ही सॉल्व करके रखूँ ईजी रहेगा, ठीक है। जेड, जेड आपको नहीं पता उस समय न्यूमेरिकल में जो भी एटॉमिक जो भी एटम दिया होगा उसका एटॉमिक नंबर। ई स्केयर की वैल्यू क्या है, ई स्केयर की वैल्यू क्या इतनी होती है 1.6, याद रखो यार, ठीक है। और आगे है मेरे पास पाई जिसकी वैल्यू 3.14, और फिर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 9 × 10^-31। आप जब उसे सबको सॉल्व करोगे ना, आपके पास पता कितना आने वाला, सबको सॉल्व करोगे आपके पास आने वाला 0.53, कई बुक्स में 0.52 भी दे रखा होता है, 0.53 इंटू 10^-10। तो देखो आपके लिए पेपर में ना सॉल्व करना बड़ा इजी है, सॉल्व में ना पेपर में लिखना सब कुछ है, किसी भी एलिमेंट ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए बोला गया फॉर्मूला लिखो, ये वैल्यूज़ डालो, इन वैल्यूज़ को सीधा ही सॉल्व करके लिख दो, ईजी हो जाएगा ना आपके लिए सीधा ही। इसको अब इसको पेपर में सॉल्व करने बैठोगे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, आप साइलेंट नॉट को एच से, फिर ई से, फिर पाए से, एम से, तो भाई इनको पहले ही सॉल्व करके रखो। तो ये कितना आया, 0.53 इंटू 10^-10 एन स्केयर अपॉन जेड। अब यहाँ से किसी का भी रेडियस निकाल सकते हो आप, देखो लेट सपोज अगर आपको बोला होता हाइड्रोजन का निकालो रेडियस, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, Nb1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल होती है, के शेल, तो के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1, और Zb1 होता है, तो उसका रेडियस क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 0.53 इंटू 10^-10 मीटर, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था उसमें बोला था प्रूव करो कि जो हाइड्रोजन है ना उसका रेडियस एन स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल है यार। देखो जेड क्या होता है, 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है ना, तो ये आर 0.53 इंटू 10^-10 एन स्केयर आता है, सब कुछ सॉल्व करके नीचे जेड, जेड की वैल्यू 1 डाल दो। अब ये क्या भाई, कॉन्स्टेंट, आप कॉन्स्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, तो भाई ये क्या आ जाएगा, एन स्केयर आ जाएगा, तो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्केयर के। मतलब इस एक्सप्रेशन को याद रखो, पहले रखना ये एक्सप्रेशन याद है, मतलब बना उससे ये है, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया था कि आपको बोरोन का, बोरोन के चौथे इलेक्ट्रॉन का आपको क्या बोला है, उनके चौथे इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सो बड़ी बहुत सिंपल है, देखो भाई आपको पता है शेल्स, आपको ऐसे तो आपने SpDfP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, पर KLM ले लेते हैं, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 और 3, मतलब ये न्यूक्लियस, तो भाई ये के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, और एल शेल में कितने घूम रहे हैं, 3, 1, 2 और 3। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, 1, 2, 3, 4, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एल शेल में, तो एल शेल के लिए एन क्या होता है, 2, हमें चाहिए एन स्केयर, तो एन स्केयर क्या हो जाएगा, 4। और बोरोन के लिए जेड क्या होता है, जेड उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 5, उसका रेडियस निकालने के लिए बोला था ना, फोर्थ, जहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मतलब एल शेल का, एल ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है मुझे, एल ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए बोला, तो रेडियस का वही पहले फॉर्मूला लगाओ तो आपको पता क्या आएगा सॉल्व करके, 0.53 इंटू 10^-10, साथ में क्या आएगा, एन स्केयर अपॉन जेड, तो यहाँ पर डालो 0.53 इंटू 10^-10 एन स्केयर की वैल्यू डालो, ठीक है, एन स्केयर की वैल्यू आएगी 4 और Z की वैल्यू आएगी 5, तो इन सबको डिवाइड करो,
मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सर सीधा सिंपल हो गया। सो ये हमारे पास, ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करने के लिए समझाया, ठीक है। यहाँ तक हमें जो पेपर में आया था इस बार सीबीएसई के, वो क्या था, तीनों पोस्टुलेट्स लिखने थे और हमें रेडियस फाइंड आउट करना था। तो ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। सो स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, वही जगह पे पूछ लो, कोई भी डाउट होगा इसके नोट्स मैं अभी भेज रही हूँ आपको।